लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जांच के दौरान अपराधियों के पास से तेज धारदार शस्त्र बरामद किए गए हैं। अंदाजा है कि इन युवकों द्वारा किसी बड़ी साजिश का षड्यंत्र रचा जा रहा था। दरअसल 25 सितंबर की रात 8:45 पर पांच युवक जिनके नाम जूनी खलासी लाइन बंगाली कॉलोनी जूनी कामटी निवासी 21 वर्षीय गुलशेर मुनीर खान कादर झंडा बगीचा निवासी, 19 वर्षीय फैसल दिलावर खान पंचशील नगर सत्रापुर कनान निवासी, 21 वर्षीय अंशुल नरेश गजबी पिपरी निवासी और 24 वर्षीय आफताब अशफाक खान कब्रिस्तान की दीवार के पास बैठे हुए थे, जहां लकड़गंज पुलिस को मिले सूत्रों से जानकारी के आधार पर कि यह युवक किसी बड़े डकैती को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस ने गश्त के दौरान पांच युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जहां चार मोबाइल फोन एक डंडा एवं दो मोटरसाइकिल बरामद की गयी। गौरतलब है कि 19 वर्षीय फैजल दिलावर खान को छोड़कर बाकी अपराधियों पर पहले से ही विभिन्न पुलिस थाना एवं धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज है, जिसके विषय में जानकारी दी सहायक पुलिस निरीक्षक राणा प्रताप यादव ने। ये घटना है 25 तारीख के रात 8:30 के आसपास। हमको हमारे गुप्त बातमीदार से माहिती मिली कि सुदर्शन चौक कब्रिस्तान के पास में कुछ लोग शस्त्र लेके कहीं पे कुछ डकैती करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस प्लानिंग के ऊपर में हमने हमारे पुलिस स्टेशन का और स्टाफ मदद के लिए बुलाया और उस घटना को वेरीफाई किया गया। उसके बाद वहाँ पे जाके उनका घेराव करके उनको पकड़ा गया। उनके पास से चार धारदार शस्त्र चाकू के जैसे वो उनके पास से जब्त किए गए, एक डंडा लकड़ी डंडा और दो स्प्लेंडर गाड़ी, ऐसा पूरा 1,02,000 कुछ का मुद्देमाल जमा किया गया है। और उनसे शस्त्र रखने के किस विज किया शस्त्र रखने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसका उड़वा उड़ी के उत्तर दिया। उन्होंने उसका कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, जिसके वजह से उनके ऊपर में पुलिस स्टेशन में लाके बाकी की आगे विचारपूछ की गई और उसके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं गिरफ्तार आरोपियों में दो लोग हैं, रजा रियाज खान, ये रहना इसका कनान पुलिस स्टेशन के एरिया में है, और इसका एक है साथी आफताब अशफाक खान। ये दोनों यशोधरा पुलिस स्टेशन में 2021 में 302 गुने केस में ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर में सजा थी, इनकी चालू थी और इनके ऊपर में 302 का ऐसा गुना दाखिल है। और एक है आरोपी उसमें गजबी है, अंशुल गजबी है, उसके ऊपर में 307 का गुना दाखिल है कनान पुलिस स्टेशन। और बाकी के दो आरोपी और हैं, उनके बारे में विचारपूछ चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।